वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्री वंशम। तुम्हारे रास्ते में सुनाते हो, खड़े होकर सुनाओ, क्या सुनाते हो? वहाँ कम समय रहता है तो सुन नहीं पाते, पूरा खड़े होकर सुनाओ, वैसे सुनाओ जैसे सुनाते हो। मुझे नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। क्या यार, क्या बात है। ब्रज भूमि प्राण से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रखो, रसिको के सत्संग में मस्त रहो, जग जाल से माही बचाए रखो। राधा राधा चली सब बाधा मिट जाए, होत जन्म की यात्रा श्री राधा नाम से जाए। हरि बोल। जब जग में बात हुई परम सुख धाम की, तब सबसे पहले बात हुई श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन की अद्भुत वाणी, सबके मुख में श्री राधा रानी। राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्री वंश। एक माला लाओ श्री को, इसको पहनाओ। आंचल में छुपा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। श्री जी का आभूषण का माला है और इसके आप अपनी पूजा की जगह में रखना इसको ऐसे। हाँ ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन को गंदा करते हैं, वृंदावन में कचरा फेंक देते हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखते, तो आपके वाणी से मैं सबको बलवाना चाहूंगा। हम तो कचरे ही साफ कर रहे हैं ना, सबके कचरे साफ कर ला। हाँ, अब फेंक के तो जाएंगे अस्पताल में, जब जाते हैं ना तो सब ऑपरेशन होता है, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। माँ की गोद में हम सब कचरा ही डालते हैं, बच्चा इतने सुंदर बन के इतने बड़े जैसे हुए ना, तो माँ की गोद में सोच हुए हैं, लघु शंका हुए हैं, हम माँ की गोद में वो बुरा नहीं हुआ। ये वृंदावन माँ है बच्चा, ये माँ है। हम सब संसार के जीव जैसे चाहते हैं वैसे ही मायते हैं, बच्चे को ये ज्ञान नहीं है, ये सब बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं। तो वृंदावन इसलिए अपराध नहीं मानती, जैसे हमारा गोद में माँ के लघु शंका कर देना, सोच कर देना, कोई अपराध नहीं होता ना, ऐसे कोई अपराध नहीं। बड़ी उदार है वृंदावन माँ, सबका कल्याण करेंगे, सबका मंगल करेंगे। और जब अब आप जैसे सयाने हो गए, अब आप थोड़ी माँ की गोद में सोच करेंगे, नहीं करेंगे ना। ऐसे ये जब सयाने हो जाएंगे, इनकी बुद्धि राधा राधा कहने से पवित्र हो जाएगी, तो ये भी नहीं करेंगे, तो बिना कहे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब राधा नाम जाएगा हृदय में, संतों के प्रति आस्था होगी, धाम कृपा करेगा, इनकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, है नहीं? हाँ, तो आप भी यही सद्भावना रखिए कि ये जो गलती कर रहे हैं ये सब सुधर जाएंगे। प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में अपार सामर्थ्य है। अपने में ये भाव होना चाहिए कि अगर कहीं दोना पत्तल गद्दा दिखाई दे रहा है, हम उसे उठाकर ऐसी जगह रख दें जिससे किसी वैष्णव को कष्ट ना हो, पर जिसने फेंका है हम उसके प्रति दोष दृष्टि ना करें, क्योंकि उसने तो दोना फेंका है और हमने तो भाव गंदा कर लिया, समझ रहे ना। तो भाव अंदर की वस्तु ही और दोना तो बाहर की वस्तु, बाहर ही रह गई, मैंने तो उसके प्रति दोष दर्शन कर लिया, तो ये सबसे गंदी बात हो जाएगी। और यही धीरे धीरे फिर आप निंदा करने लगेंगे, फिर वो हमारा भाव बिगड़ जाएगा। जैसे हमारे घर में कोई आवे, दोना पत्तल इधर उधर फेंक दे जूठन, तो हम क्या करेंगे, उसको बिना कहे अपने घर को स्वच्छ रखेंगे ना। ये वृंदावन धाम मेरी राधा रानी का है, हम सब राधा रानी के हैं, है ना। तो वृंदावन हमारा घर हुआ ना, ये ड्यूटी मेरी होती है, उनको मैं दोष नहीं दूंगा कि आए हुए अतिथि हैं। उनकी बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी तो खुद ऐसा नहीं करेंगे। हम सब मिलकर स्वयं स्वच्छता करें, सोहनी लगावें, और बहुत प्रियता हो तो प्रार्थना कर दें ऐसे, प्लीज आप जो है इसे कूड़ादान में ही डालिए, आप परिक्रमा में थूकते किसी वैष्णव के पैर में लग जाएगा, आपको अपराध लगेगा। ऐसे वार्ता अगर नहीं तो वो जहां थूके हम उठा के फेंक दें, तो मेरी श्री जी हम पे प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि मेरा घर है, ये मेरी श्री जी का घर है, तो मेरा घर हुआ ना, मैं उनका ही तो हूं ना। तो मेरे घर में आके कोई अपवित्रता करता है तो वो मेरा अतिथि है, मैं उसको डांटूंगा नहीं, उस अपवित्रता को हटाऊंगा, समझ रहे। अगर उसके प्रति हम डांट लगा दिया तो फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं, वो अपने घर में अतिथि बन के आया और तुमने डांट लगा दी, तब फिर वो हमको डांटेंगे, नहीं डांटेंगे। ऐसे जितने लोग आ रहे हैं, श्री जी ने इनको बुलाया है,
श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन अगम, बिना लाडली जू की कृपा कोई वृंदावन आ नहीं सका। अच्छा जो आया तो मेरी महारानी जी के घर आया ना, तो मेरा अतिथि हुआ ना, तो मेरा कार्य है उसको सुख पहुंचाना। तो हम अपनी बुद्धि से ये निर्णय करके कि इनमें जो कमियां हैं श्री जी की कृपा से, नाम कृपा से दूर हों, और ये अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हों और सुखी हों, ठीक रहेगा ना। हाँ, आज से कभी किसी पर दोष दर्शन करने की बात मत सोचना। हम वृंदावन वासी, हम वृंदावन उपासी, हम सेवा करेंगे और हमारी सेवा का फल होगा कि उसकी समझ आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। अगर हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो हमें देखकर दूसरे अपने धर्म का पालन करना सीख ही जाएंगे। जब हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, चाहे जितना भाषण दें धर्म का, कोई फर्क आप पे नहीं पड़ेगा। और जब हम स्वयं आचरण युक्त होंगे तो भाषण दें या ना दें, हमारे आचरण आपको शिक्षा प्रदान कर देंगे, ठीक है ना। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन।